अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम रक्षाबंधन स्पेशल नारियल के लड्डू, जो बहुत ही आसानी से और बहुत कम चीजों से बनकर तैयार होंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं हम नारियल के लड्डू, और एक बहुत ही स्पेशल तरीके से, जो एक मिठाई से दूसरी मिठाई बनेगी। तो उसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है पेठा, ये नॉर्मल पेठा है, ये आधा किलो है, ये थोड़ा सा खोया है, ये एक कप गोले का बुरादा है, नारियल का बुरादा, ऐसे कसा हुआ नारियल जो होता है, और ये थोड़ी सी चीनी है 4 टीस्पून, ये नारियल है जो मैं ऊपर से लपेटूंगी, और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर है। जो पेठा है उसको इस तरह से कस लेंगे। ये पेठा हमने ग्रेट कर लिया है, इसमें मिला देंगे हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, अच्छा सा कलर आ जाएगा। डालते हैं कढ़ाई में और इसको थोड़ी देर भूनते हैं, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। आज सारा काम कर चुके, घर का खाना भी बना लिया, किचन साफ कर लिया, तो सोचा क्यों नहीं आज रक्षाबंधन है तो कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा एक बहुत ही अच्छी सी मिठाई बनाऊं, बहुत आसान तरीके से और जल्दी से ही बनकर तैयार हो जाए, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। ये पेठा ऐसे नहीं खाया जाएगा, लेकिन जब उसे नारियल की बना दिया जाएगा, मिठाई बना दी जाएगी, तो वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। खोया हमारा भुनने पे आ गया है, इसमें डाल देंगे हम बस 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा पेठा भी मीठा है, फिर बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1/2 चम्मच और डाल सकते हैं। देखिए खोए का कलर चेंज हो गया है, खोया हमारा भुन चुका है, इसमें डाल देंगे हम नारियल का बुरादा, पूरा मिला देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई इतनी गर्म है कि थोड़ा सा अब इसमें ही भुन जाएगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ा ठंडा करके इसके लड्डू बनाएंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बना रहे हैं हम ऐसे करके लड्डू। देखा कितनी जल्दी और कितनी मजेदार सी रेसिपी तैयार हो गई। इस रक्षाबंधन ये मिठाई जरूर बनाइए, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।